पाकिस्तान की तारीख का अनोखा मुकदमा दर्ज। नानी ने नवासी पर तशद्दुद करने पर सगी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के बेटी को थाने में बंद करा दिया। सारी कहानी क्या है जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बच्ची की नानी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि आखिर वाकिया क्या है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये नवासी पर तशद्दुद किया गया है वो किसने किया? आपकी बेटी है, वो क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है बेटा। आपकी सगी बेटी है? जी मेरी सगी बेटी है। और वो नवासी आपकी आपकी सगी बेटी की सगी बेटी है, सुतेली है? नहीं, सगी बेटी है उसकी भी। आपकी जो बेटी है वो भी अपनी बेटी की सगी माँ है, तो ये तशद्दुद क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जा रहा है, एक मिनट की थी हमने गोद ले ली, चार साल तक हमने उसकी परवरिश की, तो मेरी बेटी ने डिवोर्स लिया था, वो भाग जाती थी अपने मियाँ के पास, इसे बच्ची को हमारे पास ही फेंक देती थी। हमने इसकी परवरिश की, पाल पोस के इतना बड़ा, चार साल का, अब वो डेढ़ माह हो गए, वो लेगी, वो हमारा नाम लेती ना बच्ची, वो कहती मैंने नाना नानी के पास रहना है, मैंने अपने मामुओं के पास रहना, मैंने अपनी मम्मा के पास नहीं जाना, तो इसलिए वो तशद्दुद करती, बच्ची इधर से नहीं जाती, वो जब बच्ची आती है साथ ही हमारे घर है उनका, जब वो बच्ची आती है वो इधर से नहीं जाती, नाना के साथ खेलती है, नानी के साथ, वो कहते हैं मैंने माँ बाप के साथ नहीं मैंने रहना, नानी नाना के साथ रहना है। आपकी बेटी के और कितने बच्चे हैं? दो बेटियाँ, एक बेटी फौत हो गई है तो एक ये है। तो जो फौत हो गई है उस पर भी तशद्दुद करती थी? नहीं नहीं, उसके साथ तो बहुत दिल जान से वो प्यार करती थी, अब भी उसका नाम लेती, वो कहती नाया की जगह रीबा नहीं ले सकती, नाया नाया ही है। तो मुझे बताएं कि आखिर ये वजह इतनी गहरी तो नहीं बनती, तो फिर क्यों तशद्दुद किया? आपकी बेटी कोई मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी, क्या वजह? नहीं नहीं कोई भी नहीं, बिल्कुल वो ठीक है, कोई ऐसा कोई मामला नहीं बेटा। तो आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि आखिर क्यों तशद्दुद करती हो? वो कहती इधर नहीं, मैंने इधर नहीं, आपके पास नहीं आने देना, इसलिए मैं तशद्दुद तुम्हारी वजह से करती हूँ। आपकी नवासी आपसे ज़्यादा अटैच थी, ये आपकी बेटी को बात अच्छी नहीं लगी? हाँ जी हाँ जी, वो हमारे, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि उस पर तशद्दुद किया जाए? हाँ जी, ये उसके पता नहीं, उसको पता है क्यों ऐसा करती है। तो जब वीडियो वायरल हुई है, वीडियो कैसे वायरल हुई है और आप तक कैसे वीडियो भेजी गई, किसने बनाई वीडियो? वो इधर से नहीं जा रही थी, वो कह रही मैंने इधर ही रहना है, तुम चली जाओ, वो इधर से मार कर लेकर गई और उधर से जाकर मुझे वीडियो बनाकर सेंड करती, कहती देखो मैंने इस पर तशद्दुद किया, अभी और करूँगी। तो फिर मैंने ना हर दफ़ा हर जगह मैंने देखा, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, फैसल वकील है ना एडवोकेट, मैंने उसको कॉल की, वो उसी टाइम अपनी गाड़ी लेके, हाँ जी, उसने आके मुकदमा दर्ज करवाया, उसने हमसे एक रुपया भी नहीं लिया। पहले कितनी बार तशद्दुद कर चुकी है और कितनी बार आप उसे मना कर चुके हैं? मुझे बताती थी सुबह हम जाते थे ना, या वो आती थी, कहती थी मैंने रात को 2 बजे उठाकर सोटियों के साथ इसको बहुत मारा है। ये वीडियो में मार रही है, मतलब इससे पहले वो डंडे वगैरह से? हाँ हाँ, डंडों से मारती थी बच्ची को। इतनी कम सन बच्ची पर इतना तशद्दुद, आखिर समझ नहीं आ रही बात, इतना तशद्दुद कोई माँ कर सकती है? अल्लाह बेहतर जाने वो क्या क्यों ऐसा करती है, और जान से भी प्यारी, हमारी जान चली जाए, अल्लाह उसको कुछ ना करे हमारी नवासी को। आपने अपनी बेटी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो आप अब क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि आप नवासी लेना चाहती हैं, बेटी को भी गिरफ्तार करवाया है, क्या मतलब? मैंने नवासी लेनी है, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी नवासी मिल जाए बस, मुझे मुलाकात नहीं पुलिस वालों ने करने दी, उधर से लाहौर भेज दी, अल्लाह के वास्ते मुझे ना मेरी नवासी ले दें, कोई बच्चों का उदारा है उधर छोड़िए, मुझे नहीं पता, मुझे ना चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे में आपने भिजवा दी है? नहीं, उन्होंने उधर से भिजवा दी थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाकया सामने आया है तो कितने दिन पहले ये वीडियो बनी थी और मुकदमा कितने दिन बाद करवाया? एक दिन पहले उसने वीडियो बना के भेजी, दूसरे दिन फिर वो बच्ची को लेके, वो बच्ची इधर से नहीं जा रही थी, तो इधर से ना ऊपर से सीढ़ियों से उसने ना 4 सीढ़ियों से फेंका और गला ऐसे सीढ़ियों से फेंका उसे? हाँ जी, 4 सीढ़ियों से, और मुझे कहने लगी ये देखो मैं अभी इसको ना 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दूँगी और आपको वीडियो सेंड करूँगी, फिर वीडियो नहीं की, फिर मैंने मजबूर हो के ये कदम उठाया। क्या एक माँ अपनी सगी बेटी से इतना जुल्म कर सकती है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा, ये पहली माँ है। क्या समझती हैं कि आपने उसकी परवरिश की है, आपने भी कभी उस पर इस तरह का कोई? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर, जिनसे मर्जी पूछ लो, कह रहे आपने तो परवरिश इतनी अच्छी की, ये किस पे चली गई? मैंने नहीं ऐसा, हमने नहीं ऐसा कभी किया उसके साथ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5। और 5 बच्चों में वो सबसे बड़ी थी छोटी थी? 2 भाइयों से छोटी है।
जी। तो बाकी आपके जो बच्चे हैं उनका रवैया कैसा होता था? उनकी तो जान है मेरी नवासी में, बहुत जान है। मेरे बेटे शादीशुदा हैं, उनकी वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेरी नवासी के साथ प्यार करते हैं, और नाना नानी को और खाला की तो जान है वो। आपके जो दामाद हैं उन्होंने कभी नहीं रोका अपनी बीवी को कि बेटी पर क्यों तशद्दुद करती हो? नहीं, वो खुद करता है तशद्दुद, अल्लाह का शुक्र। वो बाहर के मुल्क चला गया 14 अगस्त को, हम जब हमें पता चला इसका वीज़ा अप्लाई इसने कर दिया, हम खुदा के आगे फरियाद कर, अल्लाह हमारा तू ही है, इसको ले जा। चलो एक तो कम होगा तशद्दुद करने वाला, वो भी तशद्दुद करता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद बच्ची पे करता था। फिर ये सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे आई है, कैसे फिर ये वायरल हुई? मैंने कराची की ना ब्रांच है मीडिया वाले, मैंने उनसे ना नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बीबी आप ऐसा करें ये वीडियो भेजें। जब मैंने वीडियो भेजी तो मुझे बाद में उन्होंने जवाब नहीं, रात को मुझे पता चला कि वो मीडिया इतनी ज़्यादा और पुलिस इसे लेगी गिरफ्तार करके, ये वीडियो ऐसे वायरल हुई। जब मुकदमा दर्ज करवाया आपने अपनी ही बेटी पर, तो रिश्तेदारों ने फिर क्या कहा? उनके मामू कहते थे ये अच्छा नहीं किया, पहले कहते थे, मेरी भाभियाँ भी कह रही भी अच्छा नहीं किया, बेटी थी तो। जब मेरी ना भाभी आज बता रही थी मुझे, कह रही जब हमने ना देखा ना कि ये बच्ची पर तशद्दुद कर रही, हमने कहा ठीक हो गया। हाँ भी छोटी सी नानी ने पाली है, ये तशद्दुद कर दी वो बर्दाश्त नहीं, उनसे बर्दाश्त नहीं, और ठीक किया उन्होंने, जो किया माँ बाप ने ठीक किया। अब आपने अपनी ही बेटी पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जेल करवाई है उसे, तो अब आपका क्या रद्द अमल है, क्या फीलिंग है आपकी? आप नवासी भी आपकी जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो बेटी उसके बाद अगर वो रिहा होने के बाद आप उनसे रब्ता रखेंगे? जी नहीं, मैं नहीं रखूँगी, ये सब रख लें मैं नहीं रखूँगी, वो मुझे तो गालियाँ देती है। क्या कहती थी वो जेल में भी, इधर थाने में हम पेश हुए ना तो उधर भी मुझे गालियाँ देती थी, तो इधर भी गालियाँ, मैं नहीं उसको, मैं नहीं अपनी नवासी के साथ मैं सही रहूँ, मेरी जान भी कुर्बान नवासी। अब आप नवासी को पालना चाहती हैं तो क्या अपील करना चाहती हैं अहदेदारान से, चीफ जस्टिस से, इंसाफ के लिए? मेरा यही अपील है कि मुझे मेरी नवासी दी जाए, उधर वो मर जाएगी, वो एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहती, पता नहीं उसका क्या हाल होगा उधर, हमें नहीं पता। हमारे घर में तो ऐसे जैसे क़यामत, जैसे फौत की हुई है, हम तो खाना भी नहीं पका रहे काफ़ी दिन, जब से ये वाकया हुआ हमसे कसम ले लो हमने घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बना रहे। तो अल्लाह के वास्ते मेरी अपील है सब बड़े बड़ों से कि मेरी नवासी मुझे वापस ले कर दी जाए, मेरी अपील है। आपके शोहर का क्या रद्द अमल है, वो क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं, वो तो इतना रोते हैं, मामू भी रोते हैं, सबका यही है कि हमें हमारी बच्ची वापस मिल जाए। जी नासिम, तो आपने गुफ्तगू सुनी उस बच्ची की, नानी की, जिसने अपनी नवासी को इंसाफ दिलवाने के लिए अपनी ही बेटी पर मुकदमा दर्ज करवाया, और देख सकते हैं कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी पर इतना बेईमाना तशद्दुद कर सकती है, यकीन नहीं आ रहा कि कोई माँ इतना जुल्म कर सकती है। नासिम, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से इजहार कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहें उर्दू पॉइंट।